अगला सवाल स्वामी जी संतोष का है। बचपन से उन्हें रात में ठीक से दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत उनको है, तो क्या योग से इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसको बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। ये पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। एक तो ये अनुलोम विलोम एक एक घंटा करें, और वो जो दृष्टि आई ड्रॉप जो हम बताते हैं ना, सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, एक एक चम्मच, तीन चम्मच शहद मिला करके वो डालने आँख में, अथवा केवल प्याज का रस एक चम्मच और शहद एक चम्मच मिला लिया और उसी को ही एक ड्रॉपर में भर करके रख लें ऐसे ही, और फिर उसको आँख के अंदर डाल लिया, उसी से ही सिर में दर्द दूर हो जाता है। और ये सॉरी, उनको जो है आँख की ये जो समस्या, रात को न दिखने वाली समस्या, ये भी दूर हो जाती है और सिर में दर्द भी दूर होता है उससे। जो एक को ना किसी किसी को यौना अपस्मार बोलते हैं, माने यौवन के समय भी अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं और उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही सिर में दर्द होता है, वो भी सफ़ेद प्याज का रस और शहद डालने से दूर हो जाता है। और यूकेलिप्टस के पत्तों का पेस्ट बना करके माथे के ऊपर लगा लें, इससे सिर में दर्द तो अच्छा होता ही होता है। ये जो आपने रतौंधी का पूछा, उसके लिए आँख के ड्रॉप के साथ, दृष्टि के साथ साथ उनको हमने एक आईग्रिट औषधि बताइए कई बार, अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, रजत भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और वसंत कुसुमाकर लगभग 2 ग्राम, ये सब मिला करके एक एक चम्मच, दो दो तीन तीन ग्राम सुबह शाम खा लो, कितना ही भयंकर रतौंधी का रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, पूरी खत्म हो जाएगी, आँखों एकदम अच्छी हो जाएगी।